अब हम जिस ती, तीसरी टाइप ऑफ रिटेलर की तरफ आएंगे वो हमारे पास है सर्विस रिटेलर सर्विस रिटेलर कौन है जैसे कि उसके नाम से जाहिर है वो रिटेलर जो कि सर्विस सेल कर रहा है टू द एंड कंज्यूमर हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो हेयर सेलून बार्बर की शॉप इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल स्पा जिम बैंक्स ऑटोमोबाइल मैकेनिक्स रेंटल एजेंसीज रिपेयर शॉप्स टेलर्स दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वाट ऑफ सर्विस रिटेलर अच्छा ये क्या काम कर रहे हैं अगर आप किसी टेलर की एग्जाम्पल ले लेते हैं अगेन हम इस एग्जाम्पल को आगे फिर ऑर्गेनाइज और नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर भी डिवाइड करें क्योंकि सर्विस सेक्टर भी बिल्कुल इसी तरीके से है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लेट्स वन एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमने एग्ज़ाम्पल की बात की टेलर्स की वन ऑफ द सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं अब आपको अपने अगेन नियर बाय इलाके में देखें सराउंडिंग्स में देखें यू विल फाइंड लॉट ऑफ टेलर्स जो कि आपके नियर बाय इलाके के अंदर ऑपरेट कर रहे होंगे ये तमाम सर्विस रिटेलर्स हैं क्योंकि दे आर सेलिंग सर्विसेज टू एंड कंज्यूमर लेकिन ऑन दी अदर साइड आपके पास ऑर्गेइज तरीके से काम करने वाले लोग भी हैं फॉर एग्जाम्पल डेंडी इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल जो कि बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा है और अगेन सर्विसिज प्रोवाइड कर रहा है टू द कंज्यूमर अगेन इट विल बी कंसिडर्ड एज सर्विस रिटेलर अगेन हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अगेन जिम के हवाले से जिम अगेन इज वन ऑफ द सर्विस रिटेलर एवरी वन हर वो शख्स ये इदारा जो कि किसी ना किसी तरीके से जिम की सर्विस एंड कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहा है वो भी हमारे पास कहलाएगा सर्विस रिटेलर तो अब आपको अगेन यू विल फाइंड बहुत सारे ऐसे जिम जो कि ऑपरेट करें आपके सराउंडिंग में आपके नियर बाय में आपने ऑब्जर्व किया होगा नियर बाय लोकेलिटीज़ के अंदर वो तमाम जिम्स ऑपरेट करें इसी तरीके से ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड लेवल ऑफ सर्विस रिटेलर्स हैं या अनऑर्गेनाइज्ड सर्विस रिटेलर्स हैं दूसरे तरीके अगर मैं इसी कैटेगरी के अंदर ऑर्गनाइज रिटेलर्स की बात करूंगा ऑर्गेइज सर्विस लीडर्स की बात करूंगा तो हमारे पास लट से शेप्स इज़ वन ऑफ द गुड एग्ज़ाम्पल्स ऑफ इट जो कि आपको हेल्प करता है समझने में कि इस कैटेगरी के अंदर सर्विस लीडर के अंदर आपको ऑर्गनाइज लोग भी मिल रहे हैं और अनऑर्गनाइज लोग भी मिल रहे हैं इसी तरीके से हमारे पास अगर रेंटल एजेंसीज की बात करें अप्लाइंसिस रिपेयर शॉप्स की बात करें तो ये दोनों कैटेगरीज के, के अंदर मेजॉरिटी केसेस में लेट्स से स्पेसिफिकली टू पाकिस्तान पाकिस्तानी मार्केट में आपको ऑलमोस्ट एवरी विल बी ऑपरेटिंग एज अ काइंड ऑफ अनऑर्गनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सर्विस रिटेलर येस वेरी फ्यू पीपल स्टार्टेड इन पाकिस्तान ऑलरेडी जिस तरीके से ओएस रिसेंटली स्टार्टेड ऑल दिस रिपेयर और ऑल दिस सर्विसेज टू में एंड कंज्यूमर एंड ऑब्जेक्टिव इज दैट दे डू इट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से एंड सेल इट टू एंड कंज्यूमर हमारे पास जिस मैंने आपको बताया कि इसकी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर के हवाले से इन्वॉलमेंट है हमारे पास तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूँ ये एग्जांपल्स हम दोनों तरह पैरामीटर्स के ऊपर उतारेंगे जिस तरीके से हेयर सेलून की एग्जांपल सबसे पहले आपको सबसे ऊपर नजर आ रही है वो एग्जांपल क्या है इट इज़ अबाउट डिप्लेक्स आप मुझे ये बताइए कि क्या ये ऑर्गेनाइज रिसर्विस रिटेलर है या अनऑर्गेनाइज्ड है या इसके कंपैरिजन में आपके घर के पास जो नियर बाय असलम हेयर सलून है या अकरम हेयर सलून है या अल्लाह दत्ता हेयर सैलून है ये वो लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से ऑपरेट तो कर रहे हैं सर्विसेज प्रोवाइड तो कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स डेफिनेशन के पैरामीटर के अकॉर्डिंगली ये रिटेलर तो हैं सर्विस रिटेलर भी हैं तो ये तमाम लोग जिनकी मैंने बाद में एग्ज़ाम्पल की ये सारे अनऑर्गनाइज सर्विस रिटेलर्स हैं जबकि ऑर्गनाइजेशन लाइक डिप्लेक्स ये अगेन वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स हेयर सलून के हवाले से ब्यूटी सलून के हवाले से फॉर ऑर्गेनाइज्ड सर्विस रिटेलर की दूसरी एग्जांपल हमारे पास नॉर्मली आपको नजर आ रही है निर्वाणा की अगेन वेरी गुड एग्जाम्पल सर्विस रिटेलिंग में और स्पास्ट सर्विसज के हवाले से इस एग्ज़ाम्पल के अंदर ज़्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान में अनऑर्गेनाइज्ड ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है लेकिन इंटरनेशनली इफ यू विल ट्रेवल यू विल सी यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल जो कि ऑलरेडी दे आर डूइंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर इस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं टेलर शॉप की एग्जाम्पल मैंने भी आपसे आपसे ऑलरेडी शेयर की रिपेयर शॉप पाकिस्तान के अंदर यू विल फाइंड लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके नियर बाय इलाके के अंदर बार बार मेरा फोकस यही है आपके नियर बाय जब आप एग्ज़ाम्पल्स को देखें हमेशा कोशिश करें अपने नियर बाय सराउंडिंग में देखें कि क्या वो 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 शख्स व इदारा ये कौन है ये बिज़नेस कैसे ऑपरेट कर रहा है तो वो जो रिपेयर शॉप बेशक वो कार की रिपेयर शॉप है बेशक वो मोबाइल की रिपेयर शॉप है बेशक वो ऑटोमोबील की आ, या किसी और सर्विस के हवाले से प्रोवाइडिंग सर्विस रिपेयर शॉप है वो रिपेयर शॉप क्या करी है ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है अगर तो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है इट विल बी कंसिडर्ड एज ऑर्गेनाइज और अगर तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है इट विल बी कंसिडर्ड एज़ अनऑर्गेनाइज हमारे पास नीचे एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है गार्ड ऑयल फिल्टर जोन की गार्ड के जोन की गार्ड ऑटोमोबाइल जोन की अगेन इस एग्जांपल के अंदर पहले ये सेक्टर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज था सर्विस रिटेलर है जी बिल्कुल है एंड कंज्यूमर को ऑयल चेंजिंग फैसिलिटी दे रहा है जी बिल्कुल दे रहा है इस तरह की सिचुएशन के अंदर सो दे आर द वन हु आर द पाइन सर्विस इस सेक्टर के अंदर जिन्होंने ऑर्गेनाइज सर्विस रिटेलिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया इस ऑयल चेंजिंग सर्विसेज के अंदर और अब इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए बहुत सारे ऐसे इदारे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी इस बिज़नेस की तरफ स्टार्ट करने के लिए आ गए हैं जिम की एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दी आपको वन ऑफ द एग्जांपल है शेप्स जिसकी मैंने एग्जांपल दिया है जिम सर्विसेज के हवाले से अगेन सर्विस रिटेलर है दो मिनट के लिए एक मिनट के लिए मेमोराइज़ करें इन एग्ज़ाम्पल्स को अपने जहन में और फिर इसको इवेल्यूएट करें क्या ये सारे लोग सर्विस रिटेलर के कॉन्सेप्ट को समझने में आपको हेल्प करते हैं अगर नहीं तो दोबारा बेसिक डेफिनेशन के ऊपर जाइए इवेल्यूएट करें और फिर ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करेगा कि सर्विस रिटेलर कौन है सर्विस रिटेलर के अंदर अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज की वो भी आपको समझने का प्रॉपर तरीके से मौका मिलेगा